हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। तो आज मैं आप सभी लोगों के साथ बहुत ही स्पेशल व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि आज है स्पेशल डे ऑफ माय लाइफ। बहुत ही स्पेशल डे है आज, और आज मैंने बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाई हैं, वो भी मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। ओके, तो यहाँ पर मैं शुरुआत कर रही हूँ वीडियो की मॉर्निंग से। तो यहाँ पर मैंने चावल ले लिया है और लंच भी बना लिया है। देन उसके बाद यहाँ पर मैं डस्टिंग कर रही हूँ, और सुबह सुबह मेरी हैबिट है, मैं सारा डस्टिंग और झाड़ू पोछा सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। तो सुबह नहाने के पहले मैं झाड़ू पोछा वगैरह कर देती हूँ, लेकिन ये लोग उठते नहीं हैं, इसलिए रूम का जो डस्टिंग है वो स्किप रखती हूँ। तो अभी ये लोग उठ गए हैं, यानी कि मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड दोनों ही लोग उठ गए हैं। तो अभी मैं कर रही हूँ रूम की डस्टिंग। और आज मेरा मैट्रेस आप देख रहे होंगे, क्योंकि आज जो मैंने पुरानी बेडशीट बिछाई थी उसको धुलने के लिए डाल दी है, और यहाँ पर मैं बिछा रही हूँ न्यू बेडशीट, वो भी है श्रेय के पसंद की, जो श्रेय को बहुत ही ज़्यादा पसंद है कार्टून, और ये कार्टून है छोटा भीम का। और अक्सर बच्चों को कार्टून बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं, लेकिन उसको स्पेशली छोटा भीम और मोटू पतलू दोनों ही काफ़ी पसंद आते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने बिछा दी है ये बेडशीट, ये कुछ ब्लू, लाइट ब्लू कलर की है, जो बहुत ही अच्छी दिखती है, आप खुद देख सकते होंगे। और आज का दिन है मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा दिन है मेरे लिए, क्योंकि आज के दिन मुझे माँ बनने का सौभाग्य मिला था, बिकॉज ऑफ आज मेरे बेटे का बर्थडे है। जी हाँ, तो आज उसका बर्थडे है, तो उसका बर्थडे है, तो उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस आज जो कुछ भी होने वाला है उसी के पसंद का होने वाला है। तो आज मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट रहते हैं आज के दिन के लिए, इतना तो वो भी नहीं रहता, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए, मैंने पिलो कवर भी इस तरीके से डाल दिए हैं, और पिलो कवर भी कार्टूनी टाइप है, बहुत ही सुंदर लगते हैं। और ये बेडशीट जब मैंने बिछाई थी तो श्रेय बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ था, बहुत ही ज़्यादा। और ये बेडशीट जो है वो मैंने ऑनलाइन परचेज बिल्कुल भी नहीं की है, ये मैंने ऐसे ही लोकल मार्केट से परचेज की थी। तो बस पिलो को मैं लगा दूंगी, और ये देखिए हमारी बेडशीट रेडी है। तो यहाँ पर से मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ कि एक्चुअल में ये दिखती कैसी है, आप देख सकते हो। और इसका जो मटेरियल है वो भी बहुत ही अच्छा है, प्योर कॉटन है, बहुत ही टॉप मटेरियल है। और एक बात और कि मैंने आपको पहले भी रेड एंड ऑरेंज बेडशीट दिखाई थी, और ये ब्लू, इनका कलर बिल्कुल भी नहीं निकलता है, बिल्कुल भी नहीं। तो बहुत ही अच्छी बेडशीट है। तो देखिए बेडशीट बिछाते ही श्रेय तुरंत यहाँ पर आके मस्ती करने लगा, उसको लेटने का मन हुआ, क्योंकि उसकी फेवरेट कार्टून है छोटा भीम, तो बस लेट के वो बस यूं ही टीवी देख रहा है। और आज वो हो गया है 4 इयर्स का, आज वो 4 साल का हो चुका है, और पता नहीं चला ना कि इतनी जल्दी 4 साल बीत गए श्रेय के साथ। तो बस यहाँ पर इवनिंग है, और इवनिंग के बजे हैं 4, और मैं बहुत ही जल्दी किचन में आ गई हूँ खाना बनाने। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं छोले। छोले देखिए मैंने 10 आवर्स के लिए सोक करने के लिए रख दिए थे, और ये काफ़ी अच्छे से सोख गए हैं, और ये इनको तोड़ो तो जल्दी से 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहे हैं। तो छोले उबालने के लिए यहाँ पर मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है, इसमें मैंने कुछ खड़े मसाले जैसे कि दालचीनी और जावित्री, और ये है बड़ी इलायची, और साथ ही साथ इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी चाय पत्ती, ताकि हमारे छोले का जो कलर है ना थोड़ा सा रेड और ब्लैक टाइप का आ जाए, यानी कि ब्राउन कलर। और छोले को जो है वो मैंने कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है, और इसमें डाल दिया है नमक,
और ये जो पोटली है कॉटन की जो मैंने अभी बनाई थी वो डाल दी है। इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छा कलर आएगा और मसाले का अच्छा सा फ्लेवर आएगा। साथ ही साथ इसमें मैंने थोड़ा सा पिंच बेकिंग सोडा डाला है, इससे अच्छे से छोले जो हैं हमारे गल जाएंगे। तो इनको मैं 6 विसल आने तक ऐसे ही पकाऊंगी। साइड बाय साइड यहाँ पर मैंने श्रेय के पसंद की बासुंदी बना रही हूँ। उसको दूध की जितनी भी आइटम है वो भी रबड़ी, बासुंदी, रसमलाई इस टाइप की उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो बस यहाँ पर मैं दूध उबालने के लिए रख दिया है मैंने। एक्चुअली ये मेरा दूध है 1.5 लीटर, यस 1.5 लीटर दूध मैंने यहाँ पर उबलने के लिए रख दिया है। बहुत ही अच्छी रेसिपी है गाइस, इसको आप कोई भी स्पेशल डे या फिर कोई भी स्पेशल ओकेज़न हो, कोई भी छोटा सा गेट टुगेदर हो या तो फिर आपके घर कोई भी मेहमान आने वाले हो, आप ये डेजर्ट सर्व ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी लगता है। रसगुल्ले, गुलाब जामुन ये तो सभी लोग सर्व करते हैं लेकिन ये कुछ अलग हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया है। साइड बाय साइड यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से ड्राई फ्रूट कट कर लिए हैं और इलायची पाउडर का पाउडर बना लिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दूध की जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है और दूध जो है हमारा काफ़ी थिक होता जा रहा है क्योंकि इसको हम अच्छे से पका रहे हैं। और हाँ, ये रेसिपी का नाम है बासुंदी, मैं आपको पहले रेसिपी बता देती हूँ। सो बस यहाँ पर दूध मेरा थोड़ा सा थिक हुआ है, उसके बाद फिर मैंने डाल दी है चीनी और थोड़ी सी केसर, इससे केसर का फ्लेवर आ जाएगा और केसर का बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। तो इन दोनों ही चीज़ डाल के हम दूध को अच्छे से पकाएंगे। गाइस इसको, इस रेसिपी को आप बासुंदी बोल सकते हो, केसर रबड़ी बोल सकते हो, रबड़ी बोल सकते हो, जो भी आप बोलना चाहो, लेकिन एक्चुअली गुजरात और महाराष्ट्र में इसको बासुंदी बोला जाता है। जो वहाँ के लोग इसको बहुत ही चाव से खाना पसंद करते हैं, तो बस इसीलिए मैंने आपको बासुंदी कहा है और इसकी रेसिपी भी शेयर की है। तो यहाँ पर और मैंने थोड़ा पका लिया है। इसके बाद ये मलाई है, तो ये मेरी घर की बनाई हुई मलाई है, तो मैं इसमें थोड़ी सी डाल दूँगी। करीबन 1 बड़ा चम्मच डाल दिया है मैंने ताकि इसमें जो है वो मावा का अच्छा सा फ्लेवर आए और थोड़ा सा रिच फ्लेवर आए। इसलिए अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप बाज़ार में रेडीमेड जो क्रीम मिलती है वो आप डाल सकते हो। तो बस इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और मैं अच्छे से पकाऊंगी। और हाँ, एक बात का आपको ख़ास ध्यान रखना है, जब भी आप बासुंदी बनाएं तो आपको बार बार इस तरीके से चम्मच चलाना है, नहीं तो फिर इसका जो तलवे में है वो दूध लगता रहेगा। तो बस स्लो फ्लेम पे मेरा बासुंदी पक रही है और साइड बाय साइड यहाँ पर मैं मसाला रेडी कर रही हूँ छोले मसाला के लिए। तो यहाँ पर ग्रेवी के लिए मैंने एक स्लाइस कट, रफ कट प्याज ले ली है और ले ली है हरी मिर्च। इसको मैं थोड़ी सी ऑयल में पका रही हूँ। और ये छोले मसाला की जो रेसिपी है बहुत ही इजी है गाइस। जो भी बिगिनर्स है ना, जो भी न्यू ब्राइडल है, जिन्होंने अभी अभी किचन संभाला है या तो फिर जो लोग कुकिंग करना बिल्कुल भी नहीं जानते, वो भी इस रेसिपी को आसानी से बना सकते हैं। साथ ही साथ इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा लहसुन, तो लहसुन, प्याज और हरी मिर्च डाल दी है यहाँ पर मैंने। प्याज मेरी थोड़ी सी हो गई है, यानी कि थोड़ी सी पक गई है। उसके बाद फिर मैंने टमाटर डाल दिया है, 2 बड़े टमाटर यहाँ पर मैंने रफली चॉप करके डाल दिया है। तो बस टमाटर हमारे गल ना जाएं जब तक हमें इसको पकाना है। बहुत ही इजी रेसिपी है छोले मसाला की और बगैर बाहर का छोले मसाला यूज़ किए हुए आज हम छोले मसाला बनाने वाले हैं, सिर्फ घर का ही मसाला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए टमाटर गल गए हैं, अब इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे हम। और यहाँ पर देखिए बासुंदी भी हमारी काफ़ी थिक हो गई है और कलर भी बहुत ही अच्छा है, लाइट येलो कलर आया है। तो बस बासुंदी पककर रेडी है, इसमें हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट जो भी हमने चॉप किए हैं। आप जो भी अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट है वो आप डाल सकते हो।
और इसको जब भी हम खाएंगे तो एकदम चिल्ड करके खाएंगे, तो इसको मैं ठंडा करके और फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख देती हूँ। तो छोले मसाले के लिए ग्रेवी हमारी ठंडी हो रही है जब तक हम मसाला दूसरे साइड रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक जार में लिया है थोड़े से धनिए के दाने, लाल मिर्च और थोड़े से काली मिर्च, और ये ग्रेवी भी हमारी ठंडी हो गई है। इसको मैंने बाउल में निकाल लिया है। अब इन दोनों को हम पेस्ट बनाएंगे। तो एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है थोड़ा सा ऑयल और इसमें मैंने डाल दी है ढेर सारी हरी मिर्च। सो गाइस ये छोले में नहीं गिरेंगी, इनको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी क्योंकि फ्राई हरी मिर्च मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस। तो बस यहाँ पर मैंने हरी मिर्च फ्राई कर ली है और ये बहुत अच्छी लगती है गाइस। थोड़ा सा स्पाइसी खाना हो जाता है, आपको कैसी लगती है ज़रूर बताना। तो हरी मिर्च में मैंने लेमन और नमक डालकर अलग रख दिया है। तो बचे हुए तेल में हम डालेंगे जीरा और कुछ खड़े मसाले, दालचीनी, बड़ी इलायची और बे लीफ और थोड़ी सी 2 छोटी इलायची। साथ ही साथ हम डाल देंगे अदरक जूलियंस कट किया हुआ। और छोले मसाला में जो है वो तेल थोड़ा ज़्यादा ही लेना है और थोड़ी सी मैंने 2 हरी मिर्च डाल दी है और यहाँ पर डाल दिया है हमने जो लाल मिर्च का पाउडर बनाया था ना, पेस्ट बनाया था, वही मैंने यहाँ पर पेस्ट डाल दिया है। साथ ही साथ हल्दी डाल दी है और थोड़ा सा नमक। अब इस मसाले को हमें अच्छे से पकाना है तेल में। तो गाइस इसमें हमारा जो मसाला हमने डाला था ना, मसाला पेस्ट, वो अच्छे से पक गया है। उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे जो हमने ग्रेवी बनाई थी प्याज और टमाटर की, वो वाली। तो इसको मैंने अच्छे से स्मूथली पेस्ट बना लिया है, अच्छे से ग्राइंड किया है। और एक बात और, जब भी आप ग्रेवी इसको ग्राइंड करो तो पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है आपको, ऐसे ही इसको ग्राइंड करना है। तो बस इसको हम ढक के और अच्छे से पकाएंगे। तो यहाँ पर देखो हमारी ग्रेवी का बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है गाइस। तो आप बिगर छोले मसाले के भी आप घर के ही मसालों से छोले मसाला बना सकते हो। तो बस यहाँ पर मसाला पक रहा है, तब तक देखिए हमने छोले इस तरीके से एक बाउल में निकाल लिए हैं और बहुत ही अच्छे से ये बॉईल हो गए हैं। तो मसाला भी हमारा काफ़ी अच्छे से रेडी है, तेल बाहर छोड़ने लगा है ये। तो उसके बाद फिर हम डाल देंगे इसमें अपने छोले, बॉइल्ड छोले, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और छोले और मसाले ये सारी चीज़ों को हमें जब तक पकाना है कि ये छोले जो है ना वो सारा मसाले का जो फ्लेवर है वो ऑब्जॉर्ब ना कर लें जब तक। तो हम इसको थोड़ा सा ढक देंगे और दोनों को लो फ्लेम पर अच्छे से पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए छोले ने जो है वो अच्छे से मसाला ऑब्जॉर्ब कर लिया है। उसके बाद फिर हम डाल देंगे पानी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग करी कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में थोड़ी सी करी टाइप की जो सब्जियां होती हैं वो काफ़ी पसंद करते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने डाल दिया है पानी। तो छोले हमारे पक रहे हैं, जब तक हम चिली पनीर की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो एक बाउल में मैंने लिया है पनीर और 2 टेबलस्पून मैदा और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरीके से मिक्स करेंगे कि पनीर के ऊपर जो है वो मैदा और ये कॉर्नफ्लोर की जो है ना अच्छे से कोटिंग आ जाए। तो बस यहाँ पर मैं मिक्स कर रही हूँ। साइड बाय साइड यहाँ पर हमारे छोले मसाला रेडी है और इसमें मैंने धनिया पत्ती डाल दी है और काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है गाइस। इसका आप टेक्सचर देखिए, बिल्कुल होटल रेस्टोरेंट स्टाइल बनी है गाइस, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसको मैंने इसमें सर्व किया है और ये देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन किया है। तो इसको मैं ढक के रख दूँगी।
छोले मसाला तो हमारे रेडी हो गए हैं, तो अब हम बनाएंगे चिली पनीर। चिली पनीर की रेसिपी मैंने आपको पहले भी दिखाई है, लेकिन इस वीडियो में मैं बना रही थी तो सोचा आप सभी लोगों से फिर से एक बार शेयर कर लिया जाए। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल लिया है और यहाँ पर मैं पनीर को शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो बस इस तरीके से मैंने पनीर पे कोटिंग करने के बाद यहाँ पर मैं सारे पनीर के पीस इस तरीके से डाल दूंगी। और आप जब भी चिली पनीर बनाएं सावधानी से डालिएगा और मेरी रेसिपी के अकॉर्डिंग ही आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी बनने वाली है गाइस। और ये चिली पनीर जो है ना, वो मेरे श्रेय को और मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इन दोनों के लिए ही स्पेशली बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं सारे पनीर के पीस पैन में डाल दे रही हूँ शैलो फ्राई करने के लिए। आप चाहो तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हो, नो डाउट। और इस तरीके से हमें स्पून के वाया इसको पलट पलट कर इसको फ्राई करने हैं। और आप देखोगे कि इसमें थोड़ा सा क्रंची टाइप आ रहा है, क्रंची फ्लेवर आ रहा है, जो बहुत ही अच्छा लगेगा जब आप चिली पनीर को बाइट करेंगे, बहुत ही अच्छा। तो बस इस तरीके से हमें पलटना है और हमें गोल्डन, लाइट गोल्डन कलर तक हमें इसको फ्राई करना है। तो गाइस एक्चुअल में ये वाली जो रेसिपी है इंडो चाइनीज़, वो मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद आती है गाइस। तो बस स्पेशली उनके लिए मैं यहाँ पर बनाना चाहती हूँ, क्योंकि श्री की बहुत ज़्यादा फेवरेट रेसिपी है। तो बस इसको मैंने इस तरीके से एक साइड से फ्राई कर लिया है और दूसरे साइड से भी फ्राई करेंगे। और ये जो रेसिपी है बहुत ही इजी है और मैंने आपको इसको पहले भी बताई है। और इसके पहले मैंने आपको एक चिली पटेटो की रेसिपी भी आपके साथ शेयर की थी, वो भी कुछ इस तरीके से ही बनती है, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए पनीर हमारे जो है वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो इसको मैं एक प्लेट में निकाल दूँगी। तो यहाँ पर चिली पनीर बनाने के लिए सेम बर्तन में यहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन डाल दिया है और ये दोनों ही मैंने बारीक चॉप किए हैं। आप चाहो तो इनका पेस्ट भी आप यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको पसंद आए। तो लहसुन एक्चुअल में जल्दी जल जाता है, इसलिए यहाँ क्यूब कट चिली और ऑनियन दोनों को ही डाल दिया है। और अच्छे से हमें फ्राई करना है गाइस, इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, यानी कि ये थोड़ा सा क्रंची रहे, एकदम ज़्यादा सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं करना है हमें। तो आप देख सकते हो ये थोड़े से क्रंची टाइप के हो गए हैं, लेकिन गले बिल्कुल भी नहीं हैं। तो इसमें हम सॉस बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़ा चम्मच ग्रीन चिली सॉस डाला है और दो बड़े चम्मच यहाँ पर मैं डाल रही हूँ टोमेटो सॉस। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हाफ टी स्पून सोया सॉस, क्योंकि मेरा ये सोया सॉस जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप एक चम्मच भी डाल सकते हो। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है एक चम्मच विनेगर। तो बस ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स करेंगे। और याद रखें, जब भी आप कोई भी इंडो चाइनीज़ रेसिपी बनाएं तो सॉस में जो है ना थोड़ा सा नमक रहता है, तो सॉल्ट का आप अच्छे से ध्यान रखें, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है हमारी कॉर्नफ्लोर का पेस्ट। तो अच्छे से हम मिक्स करेंगे इसको और लो फ्लेम पर पकाएंगे। साथ ही साथ थोड़ा सा स्पाइसी और कलर अच्छा है, इसलिए मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल दी है। तो आप देख सकते हो अच्छा कलर आया है, थोड़ा सा रेड रेड। तो बस सॉस हमारा पककर रेडी है, इसमें अब हम डाल देंगे पनीर और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो जब भी आप चिली पनीर में पनीर ऐड करो तो आपको फ्लेम हाई कर देनी है और हाई फ्लेम पर ही हमें पनीर को पकाना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने डाल दिया है ब्लैक पेपर पाउडर और इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा काफ़ी सूपी सूपी टाइप चिली पनीर रेडी है।
तो एक्चुअल में ये रेसिपी जो है ना वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, आप ज़रूर बनाइए अपने घर में। तो बस चिली पनीर पकने के बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया है हरा धनिया, और हरे धनिये को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो गाइस चिली पनीर हमारा रेडी है, तो अब हम सेलिब्रेट करते हैं मेरे बेटे का बर्थडे, तो चलो आप भी चलो। तो यहाँ पर हो रही है मेरे बेटे की बर्थडे सेलिब्रेशन। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग बाहर नहीं जाना चाहते थे क्योंकि अभी है मानसून का टाइम, और मानसून में जो बाहर का खाना होता है वो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मानसून है और थोड़ी सी साफ़ सफाई का ख्याल रखना उन लोगों के लिए भी बहुत ही टफ़ होता है। तो बस यहाँ पर मैंने घर पर ही खाना बनाया और घर पर ही सेलिब्रेशन किया। तो ये कुछ फोटोग्राफ और क्लिप्स हैं जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही अच्छा लगा था हम सभी लोगों को, और ये मैंने कुछ रेसिपी भी आप सभी लोगों से शेयर की है। तो आज का व्लॉग, आज की बर्थडे पार्टी और आज की रेसिपीज अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आज की रेसिपी के लिए, आज की ये कुछ फोटोग्राफ्स के लिए आप मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और हाँ जो मैंने आपको रेसिपीज़ बताए हैं उनको आप एक ट्राई दे सकते हो। अगर आपको ये रेसिपीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ कमेंट तो ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।